हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक कोडॉन को हम अमीनो एसिड्स में चेंज करके हम इसको नाम किस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है UUU, इनको हम बोलते हैं फिलानिनिन ग्रुप, और सेकंड वाले को ल्यूसिनाइन ग्रुप बोलते हैं, और फिर अगले वाले ग्रुप में जाते हैं तो इसको सेरेनाइन ग्रुप बोलते हैं, और फिर टायरोसिन ग्रुप बोलते हैं नेक्स्ट वाले को, और फिर अगले वाले फोर्थ नंबर की टेबल पर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं लाइसिन ग्रुप बोलते हैं। और हमने बताया कि जो आपके तीन होते हैं उनको स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं। स्टॉप कोडॉन हमको हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया कि जो आपके थर्ड टेबल में जो आपके दो कोडॉन होते हैं UUA और UAG को स्टॉप कोडॉन कहे जाते हैं। स्टॉप कोडॉन का मतलब होता है कि ये जो आपकी चेन होती है 5' और 3' की, तो जो स्टार्ट होता है या स्टार्ट कोडॉन को हम मिथिनाइन के नाम से जानते हैं, या इनको हम मिथिनाइन बोलते हैं, इनको स्टार्ट कोडॉन बोला जाता है। और जो 3' का जहाँ पे चेन फिनिश होती है या ख़त्म होती है इसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। तो आपके UAA और UAG और लास्ट में आपका आता है UGA, ये आपके जो कोडॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन्स कहे जाते हैं। तो ये आपने यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इनको हम बोलते हैं। अब ये हमने आपको एमिनो एसिड्स के नाम भी बताए कि किन किन ग्रुप को हम किस एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। आपकी बुक में भी दिया गया है कि आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं कि किस ग्रुप को हम किस एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं जेनेटिक कोडॉन्स की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने बताया कि विशेषता के रूप में आप ये भी देख सकते हैं कि जो जेनेटिक कूट होता है या जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं उनको हम ट्रिपलेट फॉर्म में रखते हैं या त्रिगुणित फॉर्म में रखते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कौन सा? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। त्रि का मतलब हमने बताया UUU, या ये आपको ये ट्रिपलेट फॉर्म में ही नज़र आ रहे हैं। तो पहली विशेषता आपको क्लियर हो गई कि किस रूप में हम इनको देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ होता है कि इनका अतिव्यापन नहीं होता। अतिव्यापन का मतलब है इनका अधिक ज़्यादा फैलाव नहीं होता है। स्टॉप कोडॉन्स होते हैं तो वहीं पे वो रुक जाते हैं, मतलब स्टॉप हो जाती है चेन mRNA की, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में इसका योगदान होता है। ट्रांसलेशन में हमने बताया कि किस तरीके से जो कोडॉन्स होते हैं ये फॉर्म में अपने चेंज होते रहते हैं। अब दूसरा होता है कि ये अनुवांशिक विकृत होते हैं। अनुवांशिक विकृत होते हैं। अब विकृत का मतलब होता है कि इनमें क्या होता है, दो एमिनो एसिड्स जो कि मैंने बताया कि एक तो आपका स्टार्ट कोडॉन्स कहाँ पे हो रहा है, मध्य में आ रहा है। यदि स्टार्ट कोडॉन होना चाहिए था आपको स्टार्टिंग में मिलना चाहिए था, स्टार्टिंग में टेबल के मिल कहाँ पे रहा है, ये लास्ट में मिल रहा है। इसलिए ये क्या है, ये जो टेबल है ये आपको अनुवांशिक रूप से जो है वो सीधी रेखा में नहीं दिखाई जाती है, थोड़ा सा विकृत है। जो स्टार्ट कोडॉन है उनको बीच में रख दिया गया है, और स्टॉप को फिर बीच में रखा गया है, या यहाँ पे लास्ट वाले टेबल में इसको हम इस फॉर्म में। तो पे यदि 5' और 3' की बात करें तो ये देखें, ये तो आपको स्टॉप में मिल रहा है लेकिन ये स्टार्ट कोडॉन जो है आपको लास्ट में मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा अनुवांशिक रूप से विकृत कहे जाते हैं। तो ये तो थी इनकी विशेषताएं कि इन विशेषताओं के आधार पर हम इनको रख सकते हैं। अनुवांशिक कूट जो होते हैं, हमने बताया कि तीसरी विशेषता ये भी है कि जो अनुवांशिक कूट होते हैं, अनुवांशिक कूट क्या होते हैं, अनुवांशिक कूट होते हैं आपके DNA और RNA। ये जो कूट होते हैं इनको हम क्या है, क्रमबद्ध तरीके से जेनेटिक कोडॉन्स में या जेनेटिक कूट की विशेषता ये भी है कि अनुवांशिक कूट जो होते हैं इनको क्रमबद्ध तरीके से हम इनको रखते हैं, या इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट और समापन जो बिंदु होता है, मतलब एंड जहाँ पे होंगे और शुरुआत कहाँ से होंगे, ये क्रम तरीके से होता है। ये नहीं कि UUA को या यू जो आपके यूरेसिल और थाइमिन बेस होते हैं इनको इधर उधर हम नहीं कर सकते, ये तो इनकी विशेषता होती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो mRNA होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। जब क्या करता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है या
प्रोटीन का निर्माण होता है ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं ये किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं और इनके जो एमिनो एसिड्स हैं उनको क्या नाम देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।